जबलपुर पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी के 17 मोबाइल जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलदेव बाग में 6 जून को रंजीत की मोबाइल शॉप में दीवार सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मोबाइल चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार कर ली, जहां आरोपी चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहा था। लगातार नकबजनों और वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उसी क्रम में आपकी जानकारी में है कि 6 जून को चेरीताल गुजराती कॉलोनी में कोतवाली थाना क्षेत्र है, वहाँ पर चेलानी जी की मोबाइल की शॉप है, बालाजी मोबाइल कम्युनिकेशन, वहाँ पर चोरी हुई थी और उनके मोबाइल बड़ी संख्या में चोरी गए थे। और उसको लगातार हमारे टीम ने, इसमें हमारे एडिशनल एसपी सिटी है, एडिशनल एसपी क्राइम है, सीएसपी कोतवाली और थाना प्रभारी कोतवाली, इन लोगों ने अपनी टीम के साथ उसको फॉलो किया और वो उसमें से 17 मोबाइल रिकवर हुए हैं। कुछ एक मोबाइल के बारे में और पतारसी की जा रही है। तो इस तरह से एक बड़ी चोरी, नरेश पटेल एक साथी चोर है, सिवनी जिले का रहने वाला है, कहानी करके गाँव का रहने वाला है, ये नागपुर में पकड़ा गया और नागपुर में सारे मोबाइल रिकवर हुए। इसी तरह से ओमती और खबरिया में वाहन चोर पकड़े गए हैं और इनसे 13 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। और इसी क्रम में कुछ लोगों को धमका के उनके मोबाइल फोन पैसे लेने वाले लोग हैं जो माड़ोताल थाना क्षेत्र पकड़े गए हैं, सुनील यादव और भागचंद कुशवाहा। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ लगातार अभियान शिकंजा के तहत कार्रवाई जारी है।